दोस्तों पोको ने भी यहाँ पर अपने एक और नए स्मार्टफोन पोको M3 को इंडिया में लॉन्च कर दिया है, जहां पर आज मैं आपको अपने इस वीडियो में इसी फोन का ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखिएगा, काफी काम की होने वाली है वीडियो आप ही के लिए। अगर आप इस फोन को लेने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गो फॉर इट। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर इसके डिजाइन की। तो डिजाइन आपको यहाँ पर प्लास्टिक बैक के साथ में मिलेगा, प्लास्टिक फ्रेम दिया गया है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको यहाँ पर जो डिस्प्ले देखने को मिलेगी वो मिलेगी यहाँ पर आपको 6.53 इंच की IPS LCD पैनल के साथ में, जहां पर आपको 16 हर्ट्ज का नॉर्मल रिफ्रेश रेट है, 1080p की डिस्प्ले है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन दी गई है। डिस्प्ले भी काफी अच्छी है इस प्राइस के पॉइंट के हिसाब से देखा जाए तो। और वहीं बात करें हम यहाँ पर प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर आपको यहाँ पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 662 देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर 11 नैनोमीटर पर डिजाइन किया गया है और एक ऑक्टाकोर चिपसेट है, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों आपको जो रैम और रोम मिलेगी वो यहाँ पर 6 GB और 12 GB की, 6 GB और यहाँ पर 4 GB की रैम है, और यहाँ पर स्टोरेज है 64 GB और 128 GB का, दो टाइप के देखने को मिल जाएंगे। रैम का टाइप है आपको यहाँ पर LPDDR4X रैम, और स्टोरेज है यहाँ पर जो 64 GB वाला है वो तो UFS 2.1 का, और 128 GB वाला है वो UFS 2.2 का, ठीक है। और कैमरा डिपार्टमेंट में ट्रिपल कैमरे का सेटअप दिया गया है, जहाँ पर मेन कैमरा है 48 MP का F1.8 अपर्चर के साथ में, सेकंड कैमरा है वो है 2 MP का मैक्रो लेंस, और थर्ड कैमरा है वो है 2 MP का डेप्थ सेंसर, और सेल्फी भी आपको यहाँ पर 8 MP की देखने को मिल जाएगी F2.1 अपर्चर के साथ में। कैमरा डिपार्टमेंट भी ठीक ठाक है इस प्राइस के हिसाब से। बैटरी आपको सबसे भारी भरकम सी दी गई है, जहाँ पर बैटरी है लिथियम पॉलीमर की 6000 mAh की बैटरी है। जी हाँ दोस्तों बैटरी के मामले में काफी अच्छा काम किया है मैं को यहाँ पर बोलूंगा। और यहाँ पर जो चार्जर है वो यहाँ पर फास्ट चार्जिंग है 18 वाट का, और यहाँ पर आपको रिवर्स चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो रिवर्स चार्जिंग के साथ साथ आपको काफी अच्छा यहाँ पर फीडबैक मिल रहा है इस फोन के साथ में। डिजाइन काफी अच्छी दी गई है यहाँ पर, और आपको जो फोन है ना फोन तो काफी अच्छा है। प्राइस इसकी बात करें प्राइसिंग की, तो 4 GB 64 GB वाले वेरिएंट की है 10,999 और 6 GB 128 GB वाले वेरिएंट की 11,999 में। मत 11,000 और 12,000 इतना सा अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है, बाकी फ़ोन ठीक ठाक है इस प्राइस के हिसाब से। वैसे उन पोको को यार इतना मैं रिकमेंड भी नहीं करता, पोको 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 वो याद है ना ट्यून, तो यहाँ पर पोको का ठीक है इतना अच्छा सा ठीक ठाक है। बाकी यहाँ पर अगर आपको चाहिए पोको ब्रांड का फोन, आप यूज़ करते हो पहले उसका UI पसंद आ गया है, तो आप यहाँ पर पोको का M3 ले सकते हो। ये मेरा था ऑनेस्ट रिव्यू। फिर भी अगर आपका 10,000, 11,000 या 12,000 का बजट है तो मोटरोला का G9 है और G9 पावर है, उसमें जा सकते हो, काफ़ी अच्छा फोन है, उसमें भी आपको 6000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, तो काफ़ी अच्छे फोन है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर।